वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप संगतां दे नाल संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले महापुरखां दी जीवन दीआं दो घटनावां सांझीआं करांगे। एक दिन शाम वेले गुरद्वारा गुरदर्शन प्रकाश महते विखे विद्यालय दे उपर कुछ सिंघां समेत महापुरख संत बाबा करतार सिंह जी खालसा भिंडरांवाले घूम रहे सन। सिंघां ने महापुरखां नूं बेनती कीती कि इन्नी गर्मी ना वरत्या करो, एक पासे नरकधारियां दी विरोधता विच डटे होए हो, नाल सरकार दी भी विरोधता करी जांदे हो, इस तरह किवें सरेगा। तां महापुरख सुभाविक ही कहण लगे, मैं तां हाले विरोधता ही करदा हाँ, जो मेरे तो बाद टकसाल दा मुखी होवेगा वह मेरे नालों भी गर्म होवेगा ते अखोती देहधारियां दा मूँह तोड़ जवाब देवेगा। ते उसे समय ही भाई गुरमुख सिंह गड़वई ने अपने बने हुए लाइसेंस लई एक पिस्तौल नवा खरीद के उसे दिन ही लिया। चाहता सी कि संत ज्ञानी करतार सिंह खालसा पासों इस नवे शास्त्र की परख लई उद्घाटन करवाया जाए, पर संत जी नाल दे सिंघां नूं कहण लगे, लाओ भी सिंघो इसका उद्घाटन करो, क्योंकि हथियार पर के ही रखना चाहिए है। अते सिंघां विचों खड़े भाई जरनैल सिंह अव्यासी नूं कहण लगे, लै वे सिंघा तेरे कोलों इसका उद्घाटन करवाना है। तो संत जरनैल सिंह कहण लगे, जी मैनू इस दी जांच नहीं है। संता महापुरखा ने कहा, जरनैल सिंघा तेनू ये चलाउणियां ही पैणियां ने, जांच आपे कलगीधर पिता जी बख्शणगे। ये कहिंदिया पिस्तौल भाई जरनैल सिंह जी ने फड़ा दिता अते उन्हां कोलों ही उद्घाटन करवाया। उन्होंने संतां दा हुक्म मानदिया पिस्तौल विच पाईआं सारियां गोलियां चला के उद्घाटन किया। बाद विच समा आउण ते जून 1984 विच भारतीय हकूमत वालों श्री अकाल तख्त साहिब ते कीते गए हमले समय संत जरनैल सिंह जी खालसा ने जिमें चढ़ के आईआं फौजां नूं मूँह तोड़वा जवाब दिता। उस वेले महापुरख संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा भिंडरांवालियां दे बचन पूरे होए। ते हुण आप जी दे नाल दूसरी साखी की सांझ पाउंदे हाँ। जुलाई 1977 दे पहले हफ्ते संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा कुछ सिंघां समेत श्री गंगानगर विखे सिर्फ एक दिन दे ही प्रोग्राम ते गए हुए सन। प्रोग्राम तो वापस परतदिआं जदों कोटकपुरा शहर लंघे तां संतां ने गड्डी विच नाल बैठे सिंघां नूं कहा कि आपां रोडे चलना है, भाई अव्यासी नूं मिलके जावांगे। उस समय बाबा जोगिंदर सिंह दे वड्डे सपुत्तर भाई जगीर सिंह महापुरखां दी गड्डी चला रहे सन। पिंड समालसर पहुँचदिआं ही उन्हां ने गड्डी पिंड रोडे वल नूं मोड़ लई। लगभग रात 1 बजे नूं 10-12 सिंघां समेत संत जी घरे पहुँच गए अते आउंदिआं ही जयकारा छड्डिआ। घर दे सारे मैंबर जाग पए। संतां ने बाबा जोगिंदर सिंह नाल फतेह सांझी कीती, सुख सांद पुछी अते नाल ही कहा, भाई अव्यासी कित्थे है? उस समय छत दे उपर विराजे हुए सन। जदों उन्हां नूं दस्सिआ कि महापुरख घर आए हन तां ओह बहुत जल्दी नाल उठे अते बहुत तेजी दे नाल वाहिगुरू दा सिमरन करदे सुनाई दित्ते। उन्हां पुछिआ कि संतां नूं घरे आया किन्ना समा होया है? तां उन्हां नूं दस्सिआ कि हाले पहुँचे ही हन। ओह जल्दी नाल कोठे तो थले उतरे, बहुत निम्रता दे नाल महापुरखां नूं अते फिर बाकी सब सिंघां नूं भी फतेह बुलाई। नाल ही संतां ने कहा कि असी कोई जरूरी बचन करने हन, तुसी सिंघां नूं जल पाणी छकावो। अते नाल ही भाई राम सिंह सुल्तानपुरी कहण लगे, जेकर दही जम गया होवे तां दही छका दिओ। तां भाई जगीर सिंह ने दही वाली चाटी बाल्टी दे विच पलटी अते विच शक्कर पा के सारे सिंघां नूं दही छकाया अते संतां नूं भी। संत बाबा करतार सिंह जी बहुत खुशी भरे लहजे दे विच बचन कर रहे सन। इन्हें नूं संतां दे आराम करन लई बिस्तरा विछाया गया अते बाबा जोगिंदर सिंह जी ने संतां नूं बेनती कीती कि आप जी आराम करो, बाकी बचन बिलास सवेरे कर लवांगे। तां संत करतार सिंह जी ने मुस्कुराउंदिआं होइआं कहा, बापू जी साढ़े पास आराम करन दा समां नहीं है, बल्कि उंज भी समां बहुत थोड़ा है। इन्ने चिर नूं बचन करदिआं करदिआं भाई जरनैल सिंह अव्यासी की बांह फड़ लई अते कहण लगे, अव्यासीआ अगे तो विशेष तौर पर अपनियां जिम्मेवारियां दा ख्याल रखी, कदे वास्ते भी किसी राजनीतिक आगू अगे हाथ नहीं अड़ना, ते कदे भी नौबत ना आवे कि कोई तेनू ये आखे कि तू मेरे घर विचों चलिया जा। सतगुर कलगीधर आप सब कार्ज पूरे करनगे, इन्ने क वचन साढ़े सब सिंघां दे सामने होए। इस उपरंत संत जी भाई अव्यासी दी उसे समय
इस उपरंत संत बाबा करतार सिंह जी भाई जरनैल सिंह अव्यासी दी उस तरह ही बाह फड़ी फड़ाई थोड़ा हाटमा लै गए अते बचन करदियां करदियां वह गुरद्वारा साहब के बेहड़े भी चले गए। लगभग 15 मिनट संतां ने भाई अव्यासी दे नाल इकट्ठिया एकांत विच बचन किए फिर वापस परत आए और बाबा जोगिंदर सिंह जी नूं कहन लगे बापू जी खिमा करियो साढ़े पास समा नहीं है नहीं तो जरूर तुहाडे कोल रुक दे। सब सिंघां नूं गड्डी दे विच सवार होने लई कहा अते जांदे जांदे फिर भाई जरनैल सिंह अव्यासी नूं संबोधन हो के कहन लगे भाई अव्यासिया देर ना करी जल्दी ही जथे दे विच आ जामी। संत जी चले गए बाद विच बाबा जोगिंदर सिंह ने भाई जरनैल सिंह अते सानू सब नूं कहा कि संत जी अज जो बचन करके गए हन ये साधारण नहीं जापदे। ये सारे बचन भाई जसवीर सिंह जी ने पुस्तक दे विच लिखे हुए। सो बाबा जोगिंदर सिंह संत जरनैल सिंह जी के पिता जी आखन लगे वाहेगुरु कृपा करे संत बद तो बद समा पंथ की सेवा करन कथा कीर्तन ते प्रचार दियां इसे तरह लहरां चलाई रखन पर वो वार वार एक बचन कहिंदे रहे कि साढ़े पास समा नहीं बचिया ते जो बचन भाई जरनैल सिंह प्रति कहे सन ये भी साधारण नहीं सन। कुछ ही दिनों के बाद संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दा दुखदाई सड़क हादसा वापर गया ते संतां वलों कहा गया एक एक शब्द आने वाले समय का संकेत दे रहा सी अते दर्शा रहा सी कि एक बहुत बड़ी होनी वापरन बारे संत जी सब कुछ जानदियां होया किन्ने बेपरवाह अते सहनशीलता का खजाना सन। सो इतनियां बेनतियां प्रवान जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।